Ashish Chaudhary, Additional Commissioner of Police, Delhi, for the Prime Minister's Silver Cup Essay Competition 2018. Shri Shubhashish Chaudhary. ऑफिसर्स आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ से दीक्षांत परेड समाप्त होने के बाद आप भारतीय पुलिस सेवा की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बनेंगे, इसका मुझे भी गौरव है और स्वाभाविक है मुझसे ज्यादा गौरव आप लोगों को होगा। पुलिस एकेडमी जहाँ पर बनी है ये हैदराबाद एक ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के कारण भारत के साथ जुड़ा है, हम जानते हैं। आजादी के बाद 630 से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का एक कठोर और अकल्पनीय कठोर कार्य जब सरदार पटेल को दिया गया तब एक के बाद एक रियासत जुड़ती गई, मगर हैदराबाद के अंदर उस वक्त के हैदराबाद के निजाम भारत के साथ भारतीय संघ के साथ अपने विलीनीकरण को मान्यता नहीं देते थे और सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुलिस सेक्शन के द्वारा ये हैदराबाद और आज का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना और आज ये शहर भारतीय संघ का हिस्सा है, इसका संपूर्ण श्रेय वो पुलिस एक्शन को जाता है। मैं आज इस मौके पर सरदार पटेल को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके जो काम थे 630 रियासतों को जोड़ने का उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण। धारा 370 के रहते जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ नहीं हुआ था। कभी सबको लगता था कुछ न कुछ छूट जाता है, आज के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज धारा 370 को भारतीय संसद ने समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है। मैं आज सरदार पटेल की स्मृति को फिर से वंदन करता हूं। भारतीय सिविल सर्विस के सरदार पटेल स्थापक रहे हैं, ये नाते भी उनको याद करना उचित है। श्री सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को राष्ट्रीय हितों का रक्षक बताया और साथ अर्थ में भारतीय सिविल सर्वेंट भारत के और भारत की प्रजा के राष्ट्रीय हितों के रक्षक है। हमारे संविधान के अंदर दो हिस्सों में देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा है, एक चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानमंडलों के अंदर नीतियों का और कानूनों का निर्माण करते हैं और दूसरा भारतीय सिविल सेवा के सभी अफसर उन नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं।
और आज जब ऑल इंडिया सिविल सर्विस को एक नई बैच मिलने जा रही है, पुलिस सेवा को नई बैच मिलने जा रही है, उस वक्त मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री सरदार पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का प्रहरी बनाया था। आज यहां से जो भी प्रोबेशनर सेवा के अंदर जिस जिस राज्य में जाएगा, सरदार पटेल की ये उक्ति को हमेशा आपकी सेवाएं समाप्त होने तक मैं मानता हूं कि आपके जहन के अंदर उसको संभाल कर रखने जैसा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.